दिल्ली में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए एक प्रावधान है संविधान में कि पहले राष्ट्रपति के पास में उसका अप्रूवल लेना होता है, राष्ट्रपति महोदय का। पिछले 10 दिन से 2 मंत्री नियुक्त करने की फाइल एलजी साहब के माध्यम से केंद्र सरकार के पास भेजी हुई है और अभी तक केंद्र सरकार ने उसको मंजूर करके नहीं भेजा है। ये 6 मई को भेज दी गई थी, 6 मई की शाम को 2 नाम भेज दिए गए थे एलजी साहब के यहाँ पे, और 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया अगर वर्किंग डेज के हिसाब से भी देखें, टोटल 10 दिन हो गए। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है, तो हम इसको जानना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार की क्या वजह है, कोई बता भी नहीं रहा क्या वजह है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में किसको रखेंगे ये मुख्यमंत्री का फैसला होता है, और एक चुने हुए आदमी को कैसे यूज़ करना है मंत्रिमंडल में ये मुख्यमंत्री का फैसला होता है। तो इसको क्यों रोक के रखा हुआ है और संविधान की अवहेलना करने करके दिल्ली की सरकार को क्यों पैरालाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल मैं केंद्र सरकार के सामने रखना चाहता हूँ कि मंत्री सरकार को चाहिए और 10 दिन हो गए तो अब तक रखा नहीं है, इस पर मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के केंद्र के पास इसकी क्या पावर है और केंद्र ऐसा क्यों कर रहा है, 10 दिन से ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसा क्या संवैधानिक मसला है जिस पर विचार किया जा रहा है, ऐसा क्या इशू है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था।